हेलो एवरीवन, मैं हसन अली भारतीय आर्ट हैंडीक्राफ्ट से आज आपको दिखाने वाला हूँ एक बेडरूम सेट। आप देख सकते हैं बेडरूम सेट में एक बेड है, दो साइड स्टूल हैं और एक ड्रेसिंग है। मैं आपको बेड की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं ये बेड, ये किंग साइज बेड है, 6x6.5 फिट। 6.5 फिट ऐसे होता है बेड और 6 फिट ऐसे होता है। जो इसकी हेडबोर्ड की हाइट है वो है 6.25 फिट, 6.25 फिट। और आप देख सकते हैं ये पिलर बेड है। जो पिलर बेड होता है आप देख सकते हैं उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हेडबोर्ड में और फुटबोर्ड में पिलर होते हैं। आप देख सकते हैं सेम पिलर हेडबोर्ड में भी है और लेगबोर्ड में भी है। ये पूरे सॉलिड वुडन होते हैं, पूरे ठोस जिन्हें बोलते हैं हम, काफी मजबूत बेड है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर पूरे पे कार्विंग है फुटबोर्ड के ऊपर, अपोल्स्ट्री का वर्क कहीं नहीं है। हेडबोर्ड के ऊपर हमने अपोल्स्ट्री का वर्क किया है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि वो खोखरा है, खोखरा बोले तो ये बीच से कटा हुआ है, यहाँ पर वुड नहीं है। इसके पीछे भी वुड है और पूरी सॉलिड वुड होते हैं, प्लैंक जॉइंट कर करके हम ये पूरा बनाते हैं। और आप इसके साइड स्टूल देख सकते हैं, साइड स्टूल में हमारे पास 2 ड्रॉर्स अवेलेबल है इस साइड स्टूल में। आप देख सकते हैं मैचिंग डिजाइन विद बेड। और आप देख सकते हैं जो इसके साइड पैनल है वो प्लेन है, और ये जो बेड है ये स्टोरेज बेड है विद बॉक्स। आप देख सकते हैं ये बेड का स्टोरेज, इसके अंदर काफ़ी ही स्पेशियस जगह है, आप इसके अंदर काफ़ी सामान रख सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोलिक चाहिए हो वो हाइड्रोलिक आपको मिल जाएगा। और आप ड्रेसिंग टेबल देख सकते हैं इसकी, ये जो हमने सेट बनाया है बेडरूम सेट उसमें ये इंक्लूड है। अगर आपको ड्रेसिंग टेबल इंडिविजुअली चाहिए ये हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको ड्रेसिंग टेबल ही चाहिए, बेड नहीं चाहिए और साइड स्टूल नहीं चाहिए, हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपको बेड चाहिए हम वो भी अवेलेबल करा सकते हैं, केवल बेड। अगर आपको ड्रेसिंग साइड स्टूल चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जो उसका टोटल हाइट है ड्रेसिंग टेबल की वो है 7.5 फिट, 4 फिट ऐसे है ये, और डेप्थ है इसकी 20 इंचेस। फ्रेम जो है अलग रहता है और इसके ऊपर पीछे से ऐसे रख देते हैं और पीछे से नट बोल्ट टाइट कर देते हैं। काफ़ी ही आसान प्रोसेस है असेंबलिंग का। अब मैं आपको जो है इसका हाइट बता देता हूँ। जो बेस की हाइट है वो है 30 इंचेस। अब मैं आपको बेस की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर स्टोरेज है। आप देख सकते हैं ड्रॉर है और ड्रॉर के ऊपर भी हमने कार्विंग की है ज़िगज़ैग डिज़ाइन, जैसा कि बेड पर है और साइड स्टूल पर है मैचिंग डिज़ाइन। बीच में हमने जो यूज़ किए हैं एक कार्विंग डिज़ाइन यूज़ की है, क्योंकि एक विक्टोरियन स्टाइल बेड सेट है और काफ़ी लाइट वर्क इसके अंदर होता है। फ्रेम में जैसा है उसी तरह नीचे बेस में है। नीचे हमने एक 2 डोर्स दिए हैं जो काफ़ी स्पेशियस होते हैं क्लोथ वगैरह रखने के लिए या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका साइड में भी डिज़ाइन देख सकते हैं, ये थिक देख सकते हैं वुड हमने यूज़ की है, और टॉप भी इसका पूरा वुडन है। और इसके ऊपर हमने पूरे सेट के ऊपर नेचुरल पॉलिश की है इन हाई ग्लॉस, और ए ग्रेड टीक वुड यूज़ की है हमने सेट के अंदर। अगर आपको कुछ और कलर चाहिए हो तो आप हमारे से संपर्क कीजिए, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और स्क्रीन पर भी शोन हो रहा है नंबर। इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ सेट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी रेगुलरली अपलोड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सोफाज इन कार्विंग, हैवी महाराजा बेड। प्लीज़ कमेंट हाउ वी आर डूइंग। थैंक यू।
अकेला यू सलमान भाई राइट।